शादी हुई है, अभी भी थोड़ा सा हनीमून मोड में है, तो बड़ा अकेले आए हैं तो हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। चिराग भाई को हम बुलाना चाहेंगे स्टेज के ऊपर, प्लीज वेलकम मिस्टर चिराग पंड्या। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मैं अपना परिचय दूं, चिराग पंड्या मेरा नाम है, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूं और पिछले 12 साल से वेस्टेड बिजनेस में हूं। इसके पहले मैं जॉब करता था कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, सेल्स मैनेजर था, महीने का 25,000 सैलरी था और जिंदगी कट रही थी, इंजॉय नहीं कर रहा था। ऐसे कई सारे लोग होंगे, आप में से होंगे, आपके दोस्त में से होंगे, जो जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं काट रहे हैं। ऐसे मौके पे यानी जहाँ पे मुझे कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था और कभी कोई ऐसा लग रहा था कि क्या ये जिंदगी जीने के लिए मैं पैदा हुआ, लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि ये कुछ ऐसी जिंदगी मिले कि मैं जो ड्रीम जो लाइफ जीना चाहता हूँ वो मुझे मिले और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली वेस्टेज और वो भी मुझे ईश्वर भाई के थ्रू मिली। जोरदार तालियां इनके लिए। ये बिजनेस जब देखा, स्टार्ट किया, पहला पे आउट आया था 155 रुपये का, पहले ही साल में ग्राउंड लेवल ब्रेक किया, 1,13,000 का पे आउट आया, फिर 2 लाख 3 लाख करते करते वेस्टेज में मेरा जो हाईएस्ट पे आउट है वो 10,26,000 रुपये। बजाज पल्सर बाइक थी मेरे पास, फोर व्हील मेरी नहीं, मेरे खानदान में किसी के पास नहीं थी। वेस्टिज के कार फंड के माध्यम से पहले ही साल मैंने स्विफ्ट डिजायर कार ली, एक सपना था पूरा हुआ, लेकिन जो सपना देखा भी नहीं था वो वेस्टिज ने पूरा किया। 65 लाख की मर्सिडीज बेंज मेरे पास है और मर्सिडीज बेंज को भी आज 5 साल कंप्लीट हो गए, पता भी नहीं चला वक्त कहाँ से गुजर रहा है। 12 साल में 12 विदेश यात्रा वेस्टिज के माध्यम से ले ली, पैसा भी अच्छा कमा लिया, तकरीबन 6.5 करोड़ रुपये यहाँ से ले लिए। आज भी कई लोगों बताते हैं कि मर्सिडीज लिए, लोगों को बिलीव नहीं होता, जैसे नीलेश सर ने बताया कि मार्केट में लोग नहीं ले पा रहे, ये रियलिटी है। जो लाइफ आपको जीनी है वो यहाँ से मिल सकती है। मुझे एक बंदे ने पूछा करना क्या होगा अगर यहाँ तक पहुँचना है, इतना कमाना है। मैंने कहा सिंपल सी चीज़, हर बंदा के हर नेटवर्कर कहता है कि करना क्या है, यहाँ पे देखना है, सीखना है और टिकना है। सपने देखो, कैसे कमाना है वो सीखो और टीके रहो, बस ये 3 चीजें करते रहोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन दोस्तों चैलेंज हर जगह पे आएगी, हमें भी बहुत चैलेंज आई थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर वेस्टेज छोड़ के और कुछ करूँगा तो क्या वहाँ चैलेंज नहीं आएगी? वहाँ भी चैलेंज है, लेकिन फर्क इतना है यहाँ पे अपने अपलाइन और मेंटोर है, मार्केट में कोई नहीं। सिर्फ टीके रहिए, आपकी सफलता आपके हाथ में। थैंक यू। क्या 3 चीज कही? तो एक एक खजाना निकल रहा है। हाँ, आई एम श्योर आप लोग इसे यूज करोगे। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, कौन है उसके बाद, कोई नाम बताएगा? गुंजन सर। अच्छा, गुंजन जी गुजरात से आए हैं और इनकी बहुत यंग लोगों की टीम है, इसलिए वो खुद अपने आप को बहुत यंग रखने की कोशिश करते हैं। है भी सही कि जिससे अपनी टीम में यंग लोगों को ला सके। प्लीज वेलकम मिस्टर गुंजन पटेल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, सपने जो होते हैं सारे लोगों के सपने है कि नहीं है? है कि नहीं है? सपने नौकरी से पूरे होते हैं कि बिजनेस से? कितने लोग बिजनेस के लिए एग्री होते हैं? ये मुझे कॉलेज में था उसी टाइम पता चल गया था, इसलिए मैंने जिंदगी में कभी जॉब नहीं किया, बिजनेस किया। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे 2 कारोबार चल रहे थे, अच्छे खासे चल रहे थे, लाखों रुपया मैं कमा रहा था और जो पैसा मैं कमा रहा था ना वही बार बार री इन्वेस्टमेंट होता जा रहा था। तो एक बड़ी समस्या थी मेरे लिए, मैं पैसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इन दौरान ये बढ़िया चल रहा था और ये दिक्कत मेरी मैं फेस कर रहा था और इन दौरान मुझे मिले चिराग सर, उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा, मेरे फ्रेंड्स है। उन्होंने मुझे एक बढ़िया ऑफर दिया कि गुंजन भाई मेरे पास में एक ऐसा बिजनेस है जहां पे बिना इन्वेस्टमेंट आप आने वाले वक्त के अंदर लाखों रुपया कमा सकते हो। मैंने मुझे तो चाहिए था कि बिना इन्वेस्टमेंट को अच्छा बिजनेस मिले, तो मैंने तुरंत इसको समझ लिया, देख लिया। और फ्रेंड्स होता क्या है कि कोई भी कारोबार को जब आपको उसको स्टेबल करना है, उसमें अच्छा सा आपको पांव जमाना है, तो मिनिमम 3 साल देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 3 साल। 3 साल में आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और काम करते रहना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप वहां से कुछ अर्न कर पाओगे, वहां से कुछ घर पे लेके जाओगे, ये माइंडसेट मेरा था। तो मैंने 3 साल इस बिजनेस को फोकस से देना चालू किया। मैं एक चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी पौधा होता है ना, कोई भी पौधा
तो उसको पेट बनने में भी मिनिमम 3 साल लगते हैं, यस और नो? राइट। लेकिन वो तभी बनता है जब उसके अंदर आप खाद डालते हो। क्या डालते हो? खाद डालते हो। अगर ऐसे ही कोई जो पौधा है, पेड़ बनता नहीं है। जो खाद है ना, वो हमारा मिलियनर वर्ल्ड वाइड की एजुकेशन सिस्टम है। राइट। जितना हमारी ये मिलियनर वर्ल्ड वाइड की एजुकेशन सिस्टम को आप एडॉप्ट कर लोगे और खाद की तरह अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करोगे ना, उतना जल्द से जल्द आपका पौधे में से पेड़ बन जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे साथ में यही हुआ कि मैंने शुरुआत की, 2.5 साल के अंदर मैंने मिलियनर का अवार्ड ले लिया। मिलियनर आप सारे लोगों को पता है, जिन लोगों की टोटल आमदनी 10 लाख से ऊपर हो जाती है, इनको मिलियनर का अवार्ड मिलता है, यस और नो? जैसे ही मेरे 2.5 साल में मिलियनर अवार्ड का, मैंने मिलियनर का अवार्ड ले लिया, उसके बाद में 3.5 साल के अंदर राइजिंग करोड़पति, यानी टोटल 50 लाख से भी ज्यादा रुपए मैंने कमा लिए। 5.5 साल में करोड़पति का अवार्ड यहां से ले लिया। 1 करोड़ से भी ज्यादा जो हम करते हैं उनको करोड़पति का अवार्ड मिलता है। और आज 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10 साल के अंदर लेजेंड बन के आपके सामने हूं, जिनकी आमदनी 3 करोड़ से भी ज्यादा होती है। राइट। मैंने भी फ्रेंड्स आपकी तरह 9 साल पहले ऐसा कन्वेंशन अटेंड किया था। मैं भी आपकी तरह आम बंदा, आम आदमी बन के मैं बैठा था और बहुत सारे लोग स्टेज पे आते थे। जितने लोग स्टेज पे आते थे ना, मुझे उनका नाम नहीं पता था, मुझे उनका चेहरा नहीं पता था। मैं अपने आप को उनके चेहरे में देखता था कि कल उनके गुंजन तू स्टेज पे जाएगा, लोग तेरे लिए तालियां बजाएंगे। राइट। फ्रेंड्स, आज आप लोग आए हो ना, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप लोगों को, आप भले आप इधर बैठे हो, बस आने वाले 3 से 10 साल अपने आप को इस सिस्टम को दे दीजिए, मिलियनर वाइड मिलियनर वर्ल्ड वाइड के एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लीजिए। आने वाले 3 साल के बाद आप इस स्टेज पे होंगे, धीरे धीरे मिलियनर, राइजिंग, करोड़पति और लीजेंड बनके आप अपना टेस्टिमोनियल लोगों को देते होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और कन्वेंशन के टाइम आप थोड़े से कुछ बीमार हो जाते हैं, काम ना करना पड़े। आगे मैं किसको बुलाऊं? कौन जानता नहीं इनको, ये बताइए। कोई है जो नहीं जानता इनको? नहीं तो उनका डायलॉग मैं बोल देती हूँ। अगर मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में जानना है, तो YouTube पे जाइए और मुझे सुनिए। प्लीज वेलकम एकल खोला। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम हेतल है, वो आप जानते हैं। मैं एक सिंगल मॉम हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, फुल टाइम माँ हूँ, पार्ट टाइम बिजनेस करती हूँ। करोड़ों रुपए कमा लिए, मर्सिडीज ले ली, पूरे भारत में घूम लिया, बाहर भी घूम लिया। ये सब आज नहीं बात करूंगी, ये टेंजिबल है, इसको आप गिन सकते हो। इसको हमारे NWW के फाउंडर्स को भी पता होता है कि मेरे इस लेजेंड ने इतना कमाया, इस लेजेंड ने इतना कमाया, इसकी खिचड़ी में इतना घी पड़ा। ये पता चलने वाली चीजें हैं। मैं आज आपको बात करूंगी इस परिवार में जो चीजें आपको पता नहीं चलती हैं, और जिस चीज की कीमत और एहसास आज हमें शायद नहीं होती है। और बाहर की दुनिया में 95% लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है कि इस चीज की उनको और उनके परिवार को जरूरत होती है। हम सबको ऐसा लगता है कि हम सब तो अमर हैं, हम सबको ऐसा लगता है कि हम सब आज अच्छे हैं, कल भी अच्छे रहेंगे, परसों भी अच्छे रहेंगे। बट नन ऑफ अस नो कि विच इज द लास्ट डे। नन ऑफ अस नो। ये क्रूअल फैक्ट है हम सबकी जिंदगी का। और मैं आपको आज कहना चाहती हूं कि जिंदगी के साथ भी हर टेंजिबल चीज के लिए इस बिजनेस को करिए, और जिंदगी के बाद भी हर इनटेंजिबल चीज के लिए इस बिजनेस को करिएगा। बाहर की दुनिया बड़ी जालिम है। आपको नहीं पता कि आज आप जब हो तब आपके आसपास की दुनिया कैसे है और कैसे जिएगी। आपको नहीं पता कि जब आपका आखिरी सफर हो जाएगा तो उसके बाद दुनिया आपके परिवार के साथ कैसे जिएगी। इसके लिए इस बिजनेस को कर लो। दुनिया आपको ना बोले, दुनिया आपको पछाड़े, दुनिया आपको गाली दे, दुनिया आपको साबुन बेचने वाला बोले, दुनिया बोले डॉक्टर बन गया, ये डॉक्टर का बाप बन गया, कुछ भी बोले दुनिया, इस बिजनेस को 5 साल तक कर लीजिए। क्योंकि गलती से अगर इस दुनिया से हम चले गए तो आपके बच्चों को, आपके परिवार को यहां पे ना कोई ऐसे पकड़ने वाला तो होगा और जो कहेगा हम सब है। फ्रेंड्स, हम NWW एक परिवार है। हमने कोविड के दिनों से बहुत नुकसान सहन किया है। Every convention when we drape our sarees, we do have tears in our eyes. क्योंकि कुछ
संस्कार परिवार, बट कब तक, जब उनके परिवार से कोई एक व्यक्ति यहाँ के बैठता है ना, तो हम जी लेते हैं कि शिल्पा भाभी हमारे साथ है, विंचुरे सर हमारे साथ है, वन्ने सर का परिवार हमारे साथ है, मिसाले सर का परिवार हमारे साथ है। फ्रेंड के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉरी बट दिस इज द ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ कि हम सबको ऐसे एक परिवार की जरूरत है फॉर दैट टू द बिजनेस। और जिंदगी ना बाहर भी आसान नहीं है, यहां पे भी आसान नहीं है, बट बाहर ना जाने तक भी आसान नहीं है, यहाँ एटलीस्ट 3 से 5 साल के बाद आसान है। कम से कम कोई आपके लिए ताली बजाता है, कोई आपके लिए गुलदस्ता लेके आता है, कोई आपको तोहफा देता है, कोई आपको यहाँ फेलिसिटेट करता है, कोई आपके साथ खड़ा रहता है। फ्रेंड्स, MWW परिवार जब हम कहते हैं, वी मीन इट, वी रियली मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। एंड आई थैंक दीपल जी एंड नीलेश जी के इतना स्ट्रॉन्ग परिवार हमें दिया है कि हम सब कन्वेंशन हर इवेंट के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, जब परिवार में कोई शादी होती है वहां खर्चा भी लगता है, खुशी खुशी खर्चा करते हो क्या? 4 आजकल कपड़े खरीदने पड़ते हैं, अलग अलग संगीत, मेहंदी, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, जाते हो ना, छुट्टियां नहीं होती है तो भी जाते हो, तो साल में एक बार कन्वेंशन होता है, दौड़े भागे आ जाओ यार, एक नया यूनिफॉर्म खरीदो, आ जाओ, पता नहीं ये साड़ी, पता नहीं ये ब्लेजर कहां तक हम सबको लेकर जाएगी। प्लीज फ्रेंड्स, 5 years दे दीजिए हमें, और ये परिवार कैसे आपका लाइफ लॉन्ग परिवार बन जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। मैं इस स्टेज से हमारे मेंटर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी, और इस पूरे बोलते ना प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज हम सब यहां खड़े हैं। आई एम सो सॉरी बट मैं ये क्रूड फैक्ट हमारी जिंदगी का आज बोल गई हूं, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच। हेतल ने बहुत सही बात बोली है, एंड मानो तो इससे बड़ी कोई फैक्ट ही नहीं है जिंदगी की। सो और एक मैसेज आपके लिए, आगे मैं बुलाना चाहूंगी हमारे हमेशा खुश और हंसते हुए रहने वाले कपल को, और मैं चाहूंगी हमेशा ऐसे ही रहें आप दोनों। बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है, बहुत सारे कपल्स इनको देखते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम को ये लीड करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर संदीप एंड मीनल खिलाड़ी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आवाज नहीं आई है, 1 second, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मिसेस मीनल खिलारे, बाय एजुकेशन MBA किया है। MBA करते टाइम मैंने एक कंप्यूटर का कोर्स किया था, एंड इट वाज ओरेकल से किया था। किसी ने मुझे कहा था कि आप कंप्यूटर का अच्छा कोर्स करोगे तो आपको इंटरनेशनल जाके अच्छा जॉब मिलेगा, आप US ऑस्ट्रेलिया जाके बहुत अच्छा जॉब कर सकते हो, बहुत अच्छी सैलरी कमा सकते हो, एंड साथ में MBA भी चल रहा था। तो आई वॉज लाइक कि चलो मैं करती हूँ वो कोर्स, और वो कोर्स करने के बाद MBA कंप्लीट हुआ, एंड सेम टाइम मैंने बैंक के लिए अप्लाई किया था, तो ये सब साथ में चल रहा था। एंड उस टाइम पे मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि इतना अच्छा स्टडी किया है कंप्यूटर में, तो वाई नॉट स्टार्ट माई ओन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। आज तक मैंने ये बात कभी नहीं बताई थी, क्योंकि वो जो अधूरा सपना था, एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, खुद का कुछ करना था, वो मैं करना चाहती थी। मैंने उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, बैंक में सबमिट किया, लेकिन बैंक में वो रिजेक्ट हुआ। जब मुझे जॉब मिली तो फिर ऐसे हुआ कि यार ये अच्छी सैलरी मिल रही है तो क्यों मैं वो वापस बिजनेस के चक्कर में पढूं, क्योंकि वहां पे मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं था। नेटवर्किंग में बैंक में जॉब करना स्टार्ट किया एज असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, और बहुत यंग एज में जॉब मिली, एट द एज ऑफ 21 मैंने अपनी जॉब रिजाइन किया एज असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर फ्रॉम द बैंक। उसके बाद नेटवर्किंग में एंट्री की, नेटवर्किंग की, और मेरी जॉब की टाइमिंग ये थी कि मेरी शादी भी हुई थी उसी दौरान, वो एक 21 एज मेरे लिए बहुत क्रुशल टाइम था, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, एंड दैट सेम टाइम आई गॉट मैरिड टू माय हस्बैंड मिस्टर संदीप खिलारे। या एंड प्रॉब्लम ये होने लगी कि जॉब और फैमिली दोनों को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होने लगा था, एंड सेम टाइम
फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया था कि आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं कुछ और करूं जो आई कैन जस्टिफाई माय करियर, आई कैन जस्टिफाई माय एजुकेशन एंड आई कैन जस्टिफाई माय फैमिली आल्सो। तो इन सब का तालमेल में ठीक से बिठा पाऊं। और उसी दौरान मैं एक नेटवर्किंग की, संदीप सर ऑलरेडी नेटवर्किंग में थे तो उनकी एक मीटिंग में जाके बैठी एंड आई गॉट टू नो कुछ चीजें मैंने वहां पे सुनी एंड वो मुझे कहीं पे क्लिक कर गई। फर्स्ट थिंग मुझे मैंने वहां पे सुनी कि बी योर ओन बॉस। कितने लोगों को लगता है कि आप अपने खुद के बॉस होने चाहिए? एवरीवन, यस, इवन आई वांटेड, क्योंकि मुझे भी मेरी खुद की इंस्टीट्यूट स्टार्ट करनी थी तो मुझे भी खुद का बॉस बनना था। मैं बहुत खुश हुई कि यार मेरे बैंक का जो बॉस है बहुत परेशान करता है तो मैं अपने खुद की बॉस बन सकती हूँ, ये अपॉर्चुनिटी मुझे वो मौका देता है। सेकेंड चीज मुझे वहां पे मीटिंग में पता चली कि आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में इसे बिल्ड कर सकते हो। आपको आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो एंड दैट वाज अगेन अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ाई की थी तो वो वेस्ट तो नहीं जाने देती, तो मैं करियर भी कर सकती थी, फैमिली को भी देख सकती थी, मेरा खुद का आइडेंटिटी मैं मेंटेन कर सकती थी, एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट मैं मेंटेन कर सकती थी इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू।